इस वीडियो में सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। सॉलिड वेस्ट आर एनी डिस्कार्डेड आर अबंडेंट मटेरियल्स। सॉलिड वेस्ट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड एंड आर कंटेनराइज्ड गैसियस मटेरियल। सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन मीन्स द वेस्ट विच इज थ्रोन बाय होसेस इन ग्राउंड एज प्लास्टिक्स एंड बॉटल्स दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट इज़ वेरी हैजर्डस फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, सोर्सेज इसके आगे अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, रूरल वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, बाकी इसमें एनजीटी के बारे में ये मैंने बता दिया। अब ये इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये इसमें मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसमें पढ़ेंगे ओपन पम्प्स, लैंडफिल, सेंट्री पम्प्स, इंसिनरेशन प्लांट्स। ठीक है, ओपन पम्प्स जो होते हैं, पंप नहीं, ओपन डंप्स। ठीक है, हाँ, ओपन डंप्स रेफर्स टू अनकवर्ड एरियाज दैट आर यूज टू डंप सॉलिड वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स। द वेस्ट इज अनट्रीटेड, अनकवर्ड एंड नॉट सेग्रीगेटेड। इट इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज, रैट्स एंड अदर इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड डिजीज। देन लैंडफिल्स, लैंडफिल्स आर अ पिट, एक खड्डा होता है, दैट आर डग ऑन द ग्राउंड एंड आर जनरली लोकेटेड इन अर्बन एरियाज। द गार्बेज इज डम्प्ड एंड द पिट इज कवर्ड विद सॉइल एवरी डे, दस प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज एंड रैट्स। दस एवरी डे गार्बेज इज डम्प्ड एंड सील्ड। आफ्टर द लैंडफिल इज फुल, द एरिया इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड द साइट कैन देयर आफ्टर बी डेवलप्ड एज अ पार्किंग लॉट आर अ पार्क। ठीक है ना, लैंडफिल्स। उसके बाद देखते हैं सैनिटरी सेंट्री लैंडफिल्स। ठीक है, सेंट्री लैंडफिल इज मोर हाइजीनिक एंड बिल्ट इन मेथोडिकल मैनर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग। ठीक है, दीज आर लाइंड विद मटेरियल्स दैट आर इम्परमीएबल सॉइल। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिंग सेंट्री लैंडफिल्स इज़ वेरी कॉस्टली। देन उसके बाद है इंसिनरेशन प्लांट्स। इंसिनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट इन लार्ज फर्नेस। इन दीज प्लांट्स द रिसाइक्लेबल मटेरियल इज सेग्रीगेटेड एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज बर्न एंड ऐश इज प्रोड्यूस्ड। बर्निंग गार्बेज इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस एज इट प्रोड्यूस टर्न्स टॉक्सिक ऐश एंड पोल्यूट्स द एयर एंड वाटर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज बर्न हेयर कैन बी रिकवर्ड एंड रिसाइकल्ड। इन फैक्ट एट प्रेजेंट इंसिनरेशन इज केप्ट एज द लास्ट रिजॉर्ट एंड इज यूज मेनली फॉर ट्रीटिंग द इन्फेक्शियस वेस्ट। देन पायरोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ मटेरियल इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड पायरोलिसिस। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू इंसिनरेशन। द गैस एंड लिक्विड्स दस ऑब्टेंड कैन बी यूज एज फ्यूल्स। पायरोलिसिस ऑफ कार्बोनेशियस वेस्ट लाइक फायरवुड, कोकोनट, पाम वेस्ट, कॉर्न कॉम्स, कैशो शेल, पैडी एक्सेट्रा एंड सॉडस्ट यील्ड्स चारकोल अलॉन्ग विद प्रोडक्ट्स लाइक टार, मिथाइल अल्कोहल, एसिड एसीटोन एंड फ्यूल गैस। देन उसके बाद है कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया डीकम्पोज डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ह्यूमस लाइक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दिस फिनिश्ड प्रोडक्ट विच लुक्स लाइक सॉइल एज हाई इन कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड इज एन एक्सीलेंट मीडियम फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इट इंक्रीजेज द सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर एंड मेक्स द सॉइल्स ईजियर टू कल्टिवेट। ठीक है ना, इट हेल्प्स द सॉइल रिटेन मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इट रिसाइकल्स द न्यूट्रिएंट्स एंड रिटर्न देम बैक टू सॉइल एज न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद वर्मी कल्चर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्मी कल्चर इज आल्सो नोन एज द अर्थवर्म फार्मिंग। इन वर्मी कल्चर अर्थवर्म्स आर एडेड टू द कंपोस्ट। दीज वर्म्स ब्रेक द वेस्ट एंड एडेड एक्सक्रीटा ऑफ द वर्म्स मेक्स द कंपोस्ट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सो थैंक यू वेरी मच।